नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के बारे में। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो इसमें है आपका गोंडवाना लैंड का। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका दूसरा। दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है किसकी? तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दूसरा, तीसरा सॉरी। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्वेश्चन है चार। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सलार जंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन है पांच। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो याद रखना है स्त्री पुरुष दोनों के लिए नृत्य है आपका गैर नृत्य दोनों के लिए है। आगे है छठा क्वेश्चन है। पतंजलि का संबंध किससे है? तो याद रखना है योग दर्शन से। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। क्या होगा इसमें? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका सात। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो याद रखना है राजा राम मोहन राय। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आठ। लुसांग एक महोत्सव है जो मनाया जाता है। तो याद रखना है सिक्किम में मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका नौ। एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म से? यानी कि इसमें ए और बी दोनों सही है। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है आपका दस। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो याद रखना चैत। बी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, दस का ए है। क्वेश्चन है ग्यारह। क्या है क्वेश्चन है ग्यारह आपका? चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। क्वेश्चन है आपका बारह। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है 13। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रवृत्ति अस्थायी होती है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 14। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियां आपकी गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन है आपका 15। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो याद रखना है 1993 में। क्या है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 14। 15 16 16। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 17। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 18। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाना जाता है? तो याद रखना है रहीम सेन को। क्या है? 18 का ए है। क्वेश्चन 19। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? गुरु नानक का वास्तविक नाम है नानक। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 20। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था।
बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 21, क्या है 21? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था। ठीक। क्वेश्चन है 22, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो याद रखना, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक। क्वेश्चन है 23, दुख में सब सुमरण करें, सुख में ना करें ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? तो याद रखना, कबीर दास ने। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 24, कर्मेंटे वादी कारस्ते मा फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उपपत्ति है? तो याद रखना, श्री मद्भागवत की। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 25, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो याद रखना, कबीर दास ने। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 26, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखना, कलादी में। आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 27, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखना, बेथलहम में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 28, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखना, भरतनाट्यम से। ए ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन सही है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। क्वेश्चन है आपका 29, क्या है? वीजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो याद रखना है आपको, कथक नृत्य के। क्वेश्चन है आपका 30, भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, मोहिनी अट्टम के लिए। सी ऑप्शन सही है। कौन सा? 31 क्वेश्चन, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो महाराष्ट्र की। क्या है? ए ऑप्शन सही होगा इसमें। क्या होगा? महाराष्ट्र की। क्वेश्चन है आपका 32, क्या है 32? अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना आपकी जो ये पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, पश्चिम बंगाल क्षेत्र की। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 33, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? तो याद रखना, 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। 34, त्रयागराज कौन थे? याद रखना, संगीतज्ञ थे त्रयागराज। ठीक। क्वेश्चन 35, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 36, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है 37, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 38, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? याद रखिए, क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। क्वेश्चन है 39, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखना है, शाक्य। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 40, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो याद रखना, वर्धमान। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 41, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तो याद रखना, आपके तुकाराम तुकराम ये महाराष्ट्र से थे। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 62, 42, दक्षिण भारत के अलवार थे संत?
ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आपका 43, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो याद रखना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ठीक। क्वेश्चन 44, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव आपके जहांगीर के शासनकाल में थे। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 45, खालसा की स्थापना किसने की? तो याद रखना, खालसा की गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की थी। क्वेश्चन है आपका 46, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो याद रखना, राग मियां की मल्हार का रचयिता आपके तानसेन को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 47, कथक कहाँ की नृत्य है? कथक कहाँ का नृत्य है? तो याद रखना, उत्तरी भारत का नृत्य। क्वेश्चन है आपका 48, मुखोटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? याद रखना, कथकली से। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो याद रखना, ओडिसी है, मणिपुर है, गरबा नहीं है और कथक भी है। तो इसमें आपका क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? तो याद रखना, कथक का। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 51, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो याद रखना, कुचिपुड़ी आपका देव नृत्य है। क्वेश्चन है 52, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो याद रखना, मणिपुरी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 53, अच्छन महाराज का क्षेत्र है नृत्य? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 54, विमावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो याद रखना है, मणिपुरी। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 55, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? क्या है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो आपको बता देना है, महाराष्ट्र। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 56, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है? कारागार धार्मिक लोक संबंधित है आपका तमिलनाडु से। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 57, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? तो याद रखना, होली पर। क्या है? ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 58, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है गीदड़। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 59, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो याद रखना, मेघालय का बंबू नृत्य। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 60, क्या है? एके बाना किसका जापानी रूप है? तो याद रखना, फूलों की सजावट का। किसका? फूलों की सजावट का। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 61, क्या है 61? भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो याद रखना, मेघालय। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 62, कर्नाटक की लोक रंगभूमि स्थित है? यक्षगान। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 63, चेरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? चेरकुला प्रमुख लोक नृत्य ब्रजभूमि का?
सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन अगला, 64। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है आपका, तो याद रखना, महाराष्ट्र से। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 65, क्या है 65। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है, तो याद रखना, ख्याल। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 66। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर को दास को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 67। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना, सामवेद से लिया गया है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 68। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 69। राग देश किस पहर गाया जाता है? तो याद रखना, रात्रि के द्वितीय पहर में। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 70। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, तो याद रखना, दरबारी। क्या है? दरबारी। क्वेश्चन है आपका 61, सॉरी 71। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? सामवेद में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 72। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? तो याद रखना, शास्त्रीय संगीत। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 73। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है, तो याद रखना, ध्रुपद। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 74। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? वाराणसी से, बनारस घराने से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 75। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? तो याद रखना, ध्रुपद गायक। क्या है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 76। सबसे प्राचीन वाद्यंत्र हैं, सबसे प्राचीन वाद्यंत्र आपका बीड़ा है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित में से कौन से तंती वाद्यंत्र है? तो याद रखना, संतूर। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 78। निम्नलिखित में से कौन सा सुषिर वाद्यंत्र है? तो याद रखना, बांसुरी। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 79। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन आपका तबला बजाते हैं। क्या है? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 80। क्या है 80? निम्नलिखित में से कौन से विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? तो याद रखना है, हरिप्रसाद चौरसिया आपके विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं। क्वेश्चन है आपका 81। क्या है 81? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा का आविष्कार आपका मनमोहन भट्ट ने किया। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 82। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषिर वाद्य यंत्र है? तो याद रखना, बांसुरी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 83। क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो याद रखना, प्रोफेसर TN कृष्णन। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 84। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो याद रखना है, सितार का आविष्कारक या जनक आपका अमीर खुसरो को माना जाता है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 85। क्या है 85?
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो याद रखना, सहनाई। क्या होता है? सहनाई। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 86। संगीत यंत्र तबला का फिचलन किया। संगीत यंत्र तबला का फिचलन आपका अमीर खुसरो जी ने किया था। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 87। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो याद रखना, वायलिन। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 88। मुंह से बजाया बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो याद रखना, अलगोजा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 90। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना, तबला से। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 90। हरिप्रसाद चौरसिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, किससे संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया आपके किससे संबंधित है? याद रखना, प्रवीण वंशी वादक। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 91। सुप्रसिद्ध वनी ठनी वनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो याद रखना, किशनगढ़ शैली पर। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 52। औरत क्या है? औरत नामक चित्र का चिंतांकन किसने किया? तो ये किया था आपका रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने? डी ऑप्शन सही होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने औरत नामक चित्र का चिंतांकन किया था। ठीक है। क्वेश्चन है 93। काला चांद नामक चित्र का चिंतांकन किसने किया? तो ये है आपके सतीश गुजराल। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 94। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो याद रखना, जहांगीर के। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 95। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? याद रखना है, एम एफ हुसैन ने। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 96। शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? चित्रकला। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 97। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना, बिहार से। मधुबनी लोक कला बिहार राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन है आपका 98। मौन लिसा क्या है? मौन लिसा एक चित्र है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आपका है 99। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? गुप्त काल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 100वां क्वेश्चन है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका है ये बौद्ध धर्म। क्या है? सी ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके 100 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर्स। आगे 101 से हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गए, इससे आगे हम लोग आगे देखेंगे।